हाँ सीमा जी नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार साची जी, सर नमस्कार 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 विकास, नमस्कार नमस्कार सर नमस्ते राकेश, गुरु जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार मनीषा जी, नमस्कार रुपेश, नमस्कार सर। नमस्ते हृदय रंजन नमस्कार, सर। नमस्ते किरण मैडम नमस्कार। सर। चलिए बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो अब धीरे धीरे हम लोग कुछ नजदीक पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि 3-4 क्लास के बाद आप लोग प्रेडिक्शन कुछ देखना स्टार्ट कर दें, पत्रिकाएं वगैरह काफी कुछ देखना स्टार्ट कर देंगे। हाल तो कभी क्लासेस तो अभी चलेंगी काफी आगे तक, लेकिन फिर भी 3-4 क्लास के बाद मुझे लगता है कि आप पत्रिका देखना स्टार्ट कर देंगे। और आज जो कुछ चीज हम पढ़ाने जाने हैं, अभी 1-2 क्लास के अंदर कुछ और चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो चीज भी इसमें याद रखनी है। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम लोग पढ़ा रहे थे कि सूर्य के कारक क्या क्या हैं, चंद्रमा के कारक क्या हैं, मंगल के कारक क्या हैं, तो बार बार हम लोग ये कह रहे थे उसके अंदर कि सूर्य के कारक यानी कि सूर्य अगर मजबूत होगा, सूर्य बलशाली होगा, तो वो कारक के फल मिलेंगे हम लोगों को। सुमन जी नमस्कार। तो अब ये जो कारक है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि सूर्य बलशाली कैसे होगा, चंद्रमा बलशाली कैसे होगा। ये जो बात हम करते हैं कि भाव बली है, चंद्रमा बलशाली है, सूर्य बली है, कि भाई इसका कौन सा ग्रह बली है या नहीं है, वो कैसे बली होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज एक पहली सीढ़ी पार करेंगे जहां पे देखते हैं कि ग्रह बली कैसे होता है। फिर एक दो वीडियोस में और देखेंगे कैसे ग्रह बलि होता है, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पत्रिका देखना भी स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। इसका टाइम की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चाहे पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ग्रहों की उच्च और नीच राशियां। ग्रहों की उच्च नीच राशि बोलते हैं, 3 तरह की राशियां बोली जाती हैं ग्रहों की, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि। अब ये उच्च और नीच राशि है क्या, मूल त्रिकोण राशि है क्या, ये राशियां बेसिकली ऐसी है, उच्च और नीच राशि तो ऐसी होती है कि जहां ग्रह बैठता है, जब उच्च की राशि में ग्रह बैठता है तो ग्रह अपने को बलशाली महसूस करता है। तो जब भी आप देखें कि ग्रह जो है वो अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो आप एक बार तो ये कह सकते हैं कि ग्रह बली है, ग्रह के अंदर बली है, जान है ग्रह के अंदर। फिर दूसरी चीज ये कि ग्रह नीच का है, नीच की राशि में बैठा हुआ है, आप कह सकते हैं कि ग्रह कमजोर हो गया क्योंकि नीच की राशि के अंदर बैठा हुआ है। और इसी प्रकार ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि की क्या मतलब है, मूल त्रिकोण राशि होती है कि जैसे हर ग्रह की दो दो राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के हर ग्रह की दो दो राशियां हैं, यानी आप ये समझिए कि हर ग्रह के पास दो दो रूम सेट है, 2 रूम सेट का मकान है, 2 रूम 2 रूम प्लस BHK जो भी होता है, 1 2 BHK वाला मकान है। अब उसमें से कहीं आपको भी घर पे देखा होगा, आपने भी कोई ना कोई कमरा ऐसा होगा आपका जिस कमरे में बैठ के आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते होंगे अपने घर के अंदर। घर में तो कमरे आपके बहुत होंगे, लेकिन कोई खास कमरा ऐसा होगा जहां बैठ के आपको लगता होगा बहुत कंफर्टेबल, जहां बैठ के आप एनर्जेटिक महसूस करते होंगे अपने आप को। तो वो जो राशि है, वो जो कमरा है, वो मूल त्रिकोण राशि कहलाती है ग्रह की। तो ग्रह की दोनों राशियों में से एक राशि मूल त्रिकोण राशि बन जाती है, जहां ग्रह ज्यादा खुश होता है, प्रसन्न होता है वहां बैठने में, और मूल त्रिकोण राशि के फल अक्सर ज्यादा मिलते हैं। नॉर्मली अगर कहें तो 3/4 फल मूल त्रिकोण राशि के मिलते हैं, जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है उस भाव के फल देता है, जहां उसकी नॉर्मल राशि होती है उस भाव के 1/4 फल देता है। तो अभी हम देखेंगे कि उच्च नीच राशियां क्या होती हैं ग्रहों की और क्या मूल त्रिकोण राशि होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आगे चलता हूँ, उसको दिखाता हूँ आपको।
सबसे पहले तो मैं राकेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राकेश जी ने ये इसका शिवानी एस्टो के लिए ये एम्बलम तैयार किया और बड़ा अच्छा स्लोगन टाइप एम्बलम लगता है देखने में, और इसका प्रेजेंटेशन भी उन्होंने ही बना के भेजा था, तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, वास्तव में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं ग्रहों की उच्च और नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि क्या क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि इनको याद कर लेना है। याद करने का एक सिंपल तरीका भी है, बट याद करना है। इसमें क्या है, ये चार्ट पहले मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग में पहुंचेगा। रिकॉर्डिंग में जब पहुंचेगा तो आप अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि हमारा जो सूर्य ग्रह होता है, सूर्य ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रह होता है अशुभ ग्रह। हमारे कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ हमारे अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं हमारे। चंद्रमा को हमने बताया था कि शुभ ग्रह होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये अशुभ भी हो जाता है। किस कंडीशन में अशुभ होता है वो आपको बताएंगे भी आगे। मंगल जो है वो अशुभ ग्रह होता है, बुध शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, कुछ कंडीशन में अशुभ हो जाता है, किस कंडीशन में अशुभ होता है वो भी हम आगे बताएंगे। जुपिटर हमेशा शुभ रहता है, वीनस हमेशा शुभ रहता है, शनि हमेशा अशुभ रहता है, और राहु केतु हमेशा अशुभ ग्रह रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। शुभ ग्रह वैसे गिनती के ही हैं, शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्र है और बुध है, और चंद्र और बुध दोनों जो हैं कंडीशनल शुभ होते हैं और कंडीशनल अशुभ भी हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग ऊंच नीच राशि पे आएंगे, हर ग्रह की क्या ऊंच राशि है, क्या नीच राशि है और क्या उसकी मूल त्रिकोण राशि है हर ग्रह की। ये सूर्य है। अब सूर्य का आप जो देख रहे हैं, ये एक कुंडली मैंने बना के यहाँ रखी हुई है, इसके अंदर आप भूल जाइए कि कोई ग्रह कोई बैठा है, मेष लगानी कुंडली बनी हुई है ये वाली। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य की उच्च राशि कौन सी है, तो ये सूर्य की उच्च राशि है, यानी सूर्य इस राशि में बैठ के, एक नंबर राशि में बैठ के हमेशा अपने को बलवान महसूस करता है। ये एक नंबर राशि कौन सी है मनीषा जी? मेष राशि। मेष राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ सूर्य की जो उच्च राशि है वो मेष राशि है, सूर्य उसमें बैठ के अपने को बलवान महसूस करता है। ये सूर्य की नीच राशि है, सेवन नंबर सूर्य की नीच राशि है। इतना होता है इसके अंदर कि एग्जैक्टली 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे उसकी नीच राशि होती है, यानी जहां उसकी उच्च राशि है ग्रह की, वहां से सातवीं राशि जो है सीधा उसकी नीच राशि हो जाती है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, ग्रह की उच्च राशि आप याद रख लीजिए और उससे सातवीं राशि नीच राशि उसकी हो जाएगी, तो आपको याद रहेगा। तो ये ग्रह की नीच राशि होती है, ये ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। अजय शर्मा जी, ये कौन सी राशि है, पांच नंबर? पांच नंबर तो सिंह राशि होती है। सिंह राशि, गुड। तो सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि है, सूर्य की अपनी राशि भी सिंह राशि है, और चूंकि सूर्य के पास एक ही राशि है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि यही वाली राशि है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, सूर्य की उच्च राशि मेष है और सूर्य की नीच राशि तुला है। जब भी सूर्य मेष राशि में रहेगा कुंडली के अंदर, तो हमेशा मजबूत रहेगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। जब सूर्य सेवन नंबर राशि में आ जाएगा तो वो सूर्य थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, और सूर्य मूल त्रिकोण राशि, मतलब सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, तो सूर्य यहाँ बैठ के, इस राशि में बैठ के हमेशा अच्छे फल देगा। चंद्रमा का देखते हैं, ये मैंने मेष लिखाया, इसके आगे तुला, ये सिंह। चंद्रमा में अगर हम देखें, चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है वो नंबर दो राशि होती है, नंबर दो राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। हेमलता जी हैं कि आज नहीं है शायद। चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है वो दो नंबर राशि होती है, यानी कि वृष राशि। चंद्रमा की जो नीच राशि होती है वो देखिए, बिल्कुल इससे सातवीं राशि आ गई, जो जहां पे उच्च राशि थी उससे सातवीं राशि एग्जैक्टली आ गई, वो चंद्रमा की नीच राशि हो गई। आठ नंबर राशि कौन सी है किरण जी, बताइए? वृश्चिक राशि है, वेरी गुड। वृश्चिक राशि है, तो आठ नंबर राशि में वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि उससे सातवीं राशि में वो नीच का होता है। वृश्चिक राशि है, बिल्कुल ठीक है।
इसकी मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि भी इसकी वृषि होती है। इसके अंदर दोनों चीज एक ही है कि वृषभ इसकी उच्च राशि भी है, इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, दोनों राशियां एक साथ ही होती हैं इसकी। ओके। इसकी अपनी राशि मूल त्रिकोण नहीं होती, इसकी वृषभ राशि जो होती है, शुक्र की जो राशि होती है वृषभ, वही इसकी मूल त्रिकोण होती है, वही इसकी उच्च राशि होती है और नीच राशि इसकी वृश्चिक होती है। इसके बाद आते हैं मंगल पे। मंगल को अगर देखें तो मंगल की उच्च राशि होती है 10 नंबर। सुमन जी 10 नंबर राशि कौन सी है? सर ये अपना मकर। हाँ मकर, वेरी गुड। तो 10 नंबर राशि मकर है। मंगल की जो उच्च राशि होती है मकर, इससे सातवें नंबर की राशि अगर काउंट करें इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कर्म राशि आ गई, 4 नंबर राशि आ गई। 4 नंबर राशि इसकी नीच राशि हो गई, ये इसकी नीच राशि हो गई। मूल त्रिकोण राशि इसकी 1 नंबर होती है। जो मंगल को 2 राशियां अलॉट हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, उसमें से उसकी मूल त्रिकोण राशि 1 नंबर है। यानी अगर मंगल अपनी 1 नंबर राशि में बैठा होगा, कहीं मेष राशि में बैठा होगा, तो वो अपने को बहुत प्रसन्न महसूस करेगा और बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मंगल की राशियां हो गई। मेष राशि में मंगल मूल त्रिकोण राशि, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं बुध पे। हम बुध में देखिए, बुध की जो उच्च राशि होती है, कोई बताएगा कौन सी होती है? वीरगो। कन्या। कन्या राशि, वेरी गुड। बुध की जो उच्च राशि है और बुध की मूल त्रिकोण राशि है, वो दोनों राशि कन्या ही है, उच्च राशि भी और मूल त्रिकोण राशि भी। चंद्रमा और बुध ऐसे हैं जिनकी उच्च और मूल त्रिकोण राशि दोनों एक ही है। बुध की नीच राशि एग्जैक्टली 7वीं राशि जो 180 डिग्री पे होगी सीधे इसके, वो उसकी नीच राशि हो जाएगी। तो इसकी नीच राशि कौन सी हुई? मीन। 12 नंबर यानी मीन राशि हुई। मीन राशि। तो मीन राशि नीच की हो गई, उच्च राशि कन्या हो गई और मूल त्रिकोण राशि भी कन्या हो गई। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कौन सी राशि उच्च की है, और फिर वहां से 7वां काउंट कीजिए, 7वां काउंट करके सीधा आप उसकी नीच की राशि पे आ जाएंगे। बृहस्पति पे अगर हम आए तो इसमें एक तरीका है कि मंगल और बृहस्पति का दोनों का बिल्कुल उल्टा है। अब जैसे बृहस्पति 4 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है, मंगल 4 नंबर राशि में नीच का था, लेकिन बृहस्पति 4 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है। 4 नंबर राशि कौन सी है? कर्क राशि है। गुड। तो इससे 7वें नंबर राशि में, यानी इससे 7वें पे 7वां हो गया, 10 नंबर हो गई। 10 नंबर राशि कौन सी है अंजुल जी? मकर राशि। तो 10 नंबर राशि में ये नीच का हो गया। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 9 नंबर होती है। 9 नंबर मीन्स सेजिटेरियस, यानी धनु। गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है धनु। तो ये तीनों इसका याद रखना है आपको, गुरु की उच्च राशि कर्क, गुरु की नीच राशि मकर और गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु। फिर हम लोग आते हैं शुक्र पे, वीनस पे। वीनस पे जो शुक्र की जो उच्च राशि होती है वो होती है मीन, 12 नंबर राशि शुक्र की उच्च राशि होती है। शुक्र की नीच राशि कौन सी होती है राकेश जी, बताइए? 6 नंबर सर, कन्या राशि। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है। गुड। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि जो होती है, यानी शुक्र के पास 2 राशियां हैं, नंबर 2 और नंबर 7। नंबर 2 और 7 में 7 नंबर राशि शुक्र को ज्यादा पसंद है। मूल त्रिकोण राशि है शुक्र को, 7 नंबर राशि ज्यादा पसंद है 2 और 7 में से। दोनों राशियों का स्वामी शुक्र ही है, दोनों राशियों में शुक्र बैठेगा तो मजबूत होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 7 नंबर राशि में बैठ के वो ज्यादा अच्छा महसूस करता है अपने आप को, जो मूल त्रिकोण राशि है उसकी। तो ये 7 नंबर इसकी मूल त्रिकोण राशि है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। ये
शुक्र आपने बताया दो नंबर राशि के भी लॉर्ड शुक्र होते हैं, हाँ, और इसमें वो अच्छा महसूस करेंगे। सात नंबर राशि में जाके मूल त्रिकोण है उसमें वो सबसे अच्छा प्रभाव देंगे, हाँ, और बारह नंबर में भी शुक्र उच्च के हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। तो इनमें बारह नंबर राशि यानी मीन, वृष और सात नंबर में तुला में सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव की कोई किसमें सबसे ज्यादा किसमें कम ऐसा कुछ होता है? हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया मैं बताता हूँ आपको। देखिए ऐसा है, उच्च राशि में जाने पे ग्रह बलि हो जाता है, ठीक है, तो उच्च राशि में जाने से ग्रह बलि हो गया, और ग्रह जब बलि हो जाता है तो वो रिजल्ट कहाँ का करता है? वो रिजल्ट करता है जहां उसकी दोनों राशियां होती हैं उस भावों का। ये आप ध्यान रखिए, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि जब ग्रह जो रिजल्ट करता है, जब ग्रह रिजल्ट देगा अपनी दशा में तो रिजल्ट वहां का देगा जहां उसकी दोनों राशियां हैं, दो और सात नंबर में, दो में और सात नंबर का। यानी शुक्र जो है बलवान होके दूसरे भाव का और सातवें भाव का रिजल्ट देगा, ये समझ में आया? हाँ ठीक है। लेकिन मूल त्रिकोण राशि जहां बैठी है उसका रिजल्ट ज्यादा करेगा। अच्छा, मूल त्रिकोण में सबसे ज्यादा करेगा, मूल त्रिकोण का रिजल्ट ज्यादा करेगा वो, मतलब सप्तम भाव का रिजल्ट ज्यादा करेगा। विवाह विवाहिक वाला जीवन अच्छा करेगा, विवाह वाला अच्छा करेगा, बिजनेस पार्टनर से दोस्ती कराएगा, ये सब चीजें करेगा इसके अंदर, बिजनेस आपका अच्छा चलाएगा। मतलब दो नंबर के मुकाबले सात नंबर का रिजल्ट वो ज्यादा देगा, दो नंबर के मुकाबले सात नंबर का रिजल्ट वो ज्यादा देगा। लेकिन बारह नंबर का तो सिग्निफिकेंस केवल ये है कि जब वो बारह नंबर में आएगा तब वो एक्टिवेट दो और सात को ज्यादा करेगा, वो बलशाली हो गया। ठीक है ठीक है, बारह में कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, बारह नंबर में आके वो बलशाली हो गया, उसको बल मिल गया, और बल मिलने से वो अपने भावों का रिजल्ट अच्छा करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ये शुक्र का हो गया, कन्या राशि इसकी नीच की राशि हो गई, शनि पे चलते हैं। देखिए शनि राशि, शनि का बताते हैं आपको विकास, शनि की उच्च राशि बताओ कौन सी है? तुला राशि। हाँ, तुला राशि शनि की उच्च राशि है। शनि की नीच राशि? मेष राशि। मेष राशि शनि की नीच राशि है। एग्जैक्टली सातवें नंबर की राशि काउंट करनी है आपने, देखना है एग्जैक्टली सातवें नंबर की। यहां से सात गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह और सात, सातवां पे सीधी नंबर राशि आ गई आपकी। तो सातवें नंबर की राशि यानी मेष राशि शनि की नीच की राशि हो गई। अब शनि के पास दो राशियों का प्रभुत्व है, एक दस नंबर राशि का, एक ग्यारह नंबर राशि का। शनि के पास दो राशि आती है, दस नंबर और ग्यारह नंबर। उन दोनों राशियों में से अगर शनि फल देगा उच्च राशि में बैठ के, अच्छे फल देगा, तो ज्यादा फल देगा वो ग्यारह नंबर राशि के। वो ग्यारह नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, जहां ग्यारह नंबर राशि पड़ी हुई है उस भाव के वो ज्यादा फल करेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के। तो मूल त्रिकोण राशि का अर्थ आपको समझ में आया कि मूल त्रिकोण राशि में फल ज्यादा मिलते हैं उस दूसरी राशि के मुकाबले। शनि को दोनों भावों के रिजल्ट करने हैं, शनि की जिम्मेदारी है, जब क्योंकि शनि का अपना घर है तो अपने घर के रिजल्ट शनि को ही देने हैं, अपने घर की चौकसी शनि को ही करनी है, सब काम शनि को ही करना है। लेकिन वो चूंकि ज्यादा एनर्जी महसूस करता है अपना किसी एक पर्टिकुलर कमरे में जाके, एक रूम में जाके, एक राशि में जाके, तो वहां के वहां बैठ के ज्यादा फल देता है, वो वहां के फल ज्यादा दे देता है, तो शनि यहाँ के फल ज्यादा देगा। और सर ये सारी राशि का बेसिस हमने लगन ही मान के चल रहे हैं, चंद्र राशि से अभी लिंक नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो वैसे ये तो हम केवल बता रहे हैं आपको अभी की शनि की राशि, ये एक कुंडली बना के रखी हुई है मेष लगन की, वैसे ही इसमें तो केवल बता रहे हैं कि शनि नीच राशि कहाँ होता है, उच्च राशि कहाँ होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि शनि नीच की राशि में, शनि मेष की राशि में नीच का होता है, उच्च तुला की राशि में उच्च का होता है, शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 है। अभी इससे कोई और आगे कुछ लेना देना नहीं है, अभी इतना याद रखिए आप। ठीक है या कोई कंफ्यूजन है तो बताइए अभी भी। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया कि अभी इससे तो ये पता लग गया कि किस राशि में कौन सा ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और कहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं। लगन में देखना है, चंद्र राशि में देखना, वो बात की बात है, वो अलग चीज है, वो तो किसी भाव में भी देखना है, कहीं भाव में किसी में भी हो सकता है कि जो शनि की जो उच्च राशि है ये सात नंबर राशि, ये यहाँ ना होके यहाँ पड़ी हो। ठीक बात है, तो शनि यहाँ बैठेगा तो यहाँ उच्च का हो जाएगा। ठीक है, वो तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है। तो अब आते हैं राहु केतु पे। ये शनि की मेष राशि, तुला राशि इसकी उच्च की हो गई, मूल त्रिकोण राशि कुंभ हो गई। राहु पे आते हैं, देखिए राहु पे थोड़ा सा मतांतर है। राहु पे मेनली दो ग्रंथ हैं,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जातक परिजात और एक बृहत पाराशर होरा शास्त्र। जातक परिजात कहता है कि राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन होती है और नीच राशि उसकी धनु होती है। लेकिन बृहत पाराशर होरा शास्त्र, क्योंकि हम लोग पाराशर की तरफ से ज्यादा प्रभावित हैं और उन्हीं की ये पढ़ रहे हैं सारी चीजें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशर द्वारा रचित ही पढ़ रहे हैं, तो हम वैदिक पाराशर द्वारा ही लेंगे जो पाराशर जी ने कहा है और ऋषि पाराशर ने कहा है। अच्छा, ये देख यहाँ ध्यान रखिए कि राहु का और केतु का उच्च नीच राशि का संबंध आपको सिर्फ दशा में देखना है, उसके अलावा नहीं देखना। आपको ये नहीं देखना कि राहु उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो आप कहने लग जाओ कि राहु बलि हो गया। राहु का उससे कोई लेना देना नहीं है। राहु की दशा के टाइम पे देखना है कि राहु जब उच्च राशि में होगा तो राहु की दशा के फल अच्छे मिलेंगे या कैसे फल मिलेंगे। तो सिर्फ दशा में देखना है, वैसे नॉर्मल केस में नहीं देखना इसको राहु को। अब राहु का अगर आप देखें तो राहु की जो उच्च राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। राहु की उच्च राशि, दो नंबर राशि उच्च होती है, और उसकी नीच राशि होती है वृश्चिक। अगर राहु केतु की राशियां उच्च नीच अब याद भी ना करें अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी आप केवल सूर्य से लेकर शनि तक की उच्च नीच और मूल त्रिकोण राशि याद कीजिए, राहु केतु पर इतना ध्यान मत दीजिए। राहु केतु का उच्च नीच राशियों का इतना यूज नहीं है, दशा के टाइम पे यूज होता है, लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूँ चूंकि दे दिया है इसके अंदर, तो थोड़ा लिख के आप रख लीजिए। ये इसकी नीच की राशि होती है और राहु की मूल त्रिकोण राशि होती है मिथुन। ये राहु के बारे में है, उच्च राशि वृषभ, नीच राशि वृश्चिक, मूल त्रिकोण राशि मिथुन। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अभी राहु का आप बिल्कुल भी ज्यादा राहु पे ध्यान ना दें, राहु केतु पे। अभी सूर्य से शनि का आप याद कर लें बस। राहु केतु का तो मैंने आपको दे दिया है, ये कभी आपके काम बाद में कभी आएगा तो मैं आपको तब बताऊंगा, अभी कुछ नहीं करना इस पे। केतु का अगर देखें, केतु का इसका उल्टा होता है, क्योंकि राहु केतु दोनों 180 डिग्री में बैठते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो जहां राहु उच्च का है वहां केतु नीच का हो जाता है, जो रहा जहां राहु नीच का है वहां केतु उच्च का हो जाता है। तो देखिए केतु उच्च का हो गया वृश्चिक में, यहां राहु नीच का था तो केतु यहां उच्च का हो गया वृश्चिक में, केतु नीच का वृषभ में हो गया, राहु यहां पे उच्च का था वृषभ में, वो नीच का हो गया। केतु की मूल त्रिकोण राशि बनती है धनु, मूल त्रिकोण राशि केतु की बनती है धनु। तो ये हमारी उच्च नीच राशियां हैं जो मैंने आपको बताई, ये आप याद कर लीजिएगा। लेकिन याद करते वक्त अभी फिलहाल आप सूर्य से शनि तक की याद कीजिए, राहु केतु को भूल जाइए, क्योंकि राहु केतु के फल बहुत चीजों पर डिपेंड करते हैं, इनके बारे में बहुत सारा मतांतर है। ये कई बार उच्च की राशि में बैठे हों, नीच की राशि में बैठे हों, उसके बावजूद भी फल ही अपने हिसाब से करते हैं। इनके इनकी प्रेडिक्शन डिफरेंट टाइप से होती है, वो मैं आपको अलग से जब राहु केतु पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, तब राहु केतु के अंदर बताऊंगा, तब बताऊंगा मैं आपको ये सब चीजें क्या लेनी है या क्या नहीं लेनी है। अभी राहु केतु को आप याद मत कीजिए, अभी सूर्य से लेकर शनि तक आप याद कीजिए। ये हमारा यहां तक का हो गया। अब इसमें मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसके आगे एक चीज दिखाना चाह रहा हूं प्रेजेंटेशन। आज शायद नीत साहब नहीं आए हैं, आज एक नई चीज सिखाते हैं, नॉर्मली उस पर काफी लोग अटक जाते हैं, तो मैं वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये तो खैर वही चार्ट है, ये यहां भी आपको मिल जाएगा, उच्च राशि नीच राशि मूल त्रिकोण राशि मेल फीमेल और ये नैसर्गिक शुभ हैं या शुभ ग्रह हैं, ये इस चार्ट से भी आपको आइडिया लग जाएगा सारा। ये सारे चार्ट्स आपके पास रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो इनको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं बता चुका हूँ कि कौन से ग्रह मेल हैं, कौन से ग्रह फीमेल हैं, कौन से ग्रह न्यूट्रल हैं, ये मैं बता चुका हूँ इसके अंदर। देखिए किसी की पत्री आपके पास आए, मान लिया
बाई चांस कोई आदमी आता है उसके पास कोई पुराने जमाने की कोई पत्री बनी हुई है, वो कहता जी मेरे पास ना तो उसमें कोई डेट लिखी है ना उसमें कोई टाइम लिखा है, बस एक ये पत्री है नक्शा बना हुआ है, आप बताओ ये ठीक है या नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, मेरा टाइम क्या हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो कुंडली बनी हुई है ये ठीक बनी हुई है नहीं बनी हुई है, तो ये एक बड़ा जिसे कहना चाहिए करोड़ का क्वेश्चन होता है, करोड़ों का क्वेश्चन कहलाता है ये वाला। तो ये कैसे पता लगाते हैं? नॉर्मली बहुत से लोगों को अभी भी इस चीज का आइडिया नहीं होता कि ये कैसे पता लगाया जाए कुंडली देख के कि इसका बर्थ कब हुआ होगा या इसका जो टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितने बजे का होगा और जिस समय पैदा हुआ होगा उस समय तिथि कौन सी होगी। देखिए चंद्रमा से तिथि बनती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है 30 दिन में, तो 30 तिथि होती है हमारी, ये हम लोग सब जानते हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी ऐसे करके, तो पूर्णिमा तक चलती है, फिर पूर्णिमा के बाद अमावस तक चलती है सारी तिथियां, पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है और अमावस से चंद्रमा पूर्णिमा से घटना शुरू हो जाता है, फिर चंद्रमा फिर अमावस पे आके पूरा चंद्रमा घट जाता है ब्लैक हो जाता है। तो कुंडली पे एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई कुंडली आए तो ये देखिए कि अगर सूर्य से चंद्रमा 7 घर दूर है, सूर्य से चंद्रमा 7 घर दूर है तो 100% उस बंदे से कहिए तेरा जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है। सूर्य से चंद्रमा 7 घर दूर है तो आप 100% कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है। अभी मैं बताऊंगा और तिथि कैलकुलेट करना बताऊंगा इसके अंदर और नजदीक। अगर ये सूर्य से चंद्रमा 7 घर से पहले है, लेस देन 7 है, पहले है, तो कहिए कि तुम्हारा जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जानते हैं आप लोग? यस। शुक्ल पक्ष वो होता है जब चंद्रमा बढ़ता है, जब प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, और फिर पूर्णिमा से लेके अमावस्या का जो टाइम होता है वो कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा घटता है। तो अगर सूर्य से चंद्रमा 7 घर से पहले है, छठे घर में है, पांचवें घर में है, चौथे घर में है, तीसरे घर में है, तो हम कहेंगे भाई इसका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। और यदि सूर्य से चंद्रमा 7 घर से अधिक दूरी पर है, सूर्य से 8वें घर में है, सूर्य से 9वें घर में है, तो हम कहेंगे इसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। और यदि सूर्य व चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं कुंडली में किसी में, तो आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। और अमावस्या के दिन होना एक दोष होता है, अमावस्या दोष बोलते हैं उसको, आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो किसी का सूर्य चंद्रमा साथ बैठा हो तो आप कह सकते हैं कि अमावस्या के दिन आपका जन्म हुआ है। सूर्य से चंद्रमा 7 घर दूर तो पूर्णिमा, 7 घर से पहले तो शुक्ल पक्ष, और 7 घर से ऊपर तो कृष्ण पक्ष। ये आप ध्यान रखिए, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी निकालेंगे कुंडली देख के, कुछ कुंडली मैंने एग्जाम्पल में ली हुई है, हम लोग उसकी ट्राई करेंगे निकालने का कि क्या टाइम होगा उसका, क्या डेट ऑफ बर्थ के आसपास होगी, वो हम अभी निकालेंगे इसके अंदर। अच्छा, तिथि क्या होती है? तिथि का मैं आपको एक सेकंड, तिथि से पहले मैं आपको यह पढ़ा देता हूं। मतलब हम लोग ये कैसे निकालें कि किसका जन्म कब हुआ है, कौन सी तिथि में हुआ है? इतना तो हमने निकाल लिया कुंडली देख के कि भाई ये शुक्ल पक्ष में हुआ है या ये कृष्ण पक्ष में हुआ है, ये तो हमको मालूम चल गया कि सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हैं तो ये अमावस में हुआ है, सूर्य से पूर्णिमा 7 घर दूर है तो पूर्णिमा हुआ है, और 7 घर से कम है तो शुक्ल पक्ष, और 7 घर से अधिक है तो कृष्ण पक्ष। इतना तो आइडिया हमने लगा लिया। लेकिन वो कहता जी ये नहीं, ये तो आपने बता दिया कि शुक्ल पक्ष में हुआ, मुझे बताओ मेरा किस तिथि में जन्म हुआ है, तो हमें तिथि निकालनी पड़ेगी। वो तिथि मैं आपको आगे निकालना बताऊंगा, ये इस चार्ट में नहीं, आगे चार्ट आएगा भी, उसमें निकालना बताऊंगा तिथि कैसे निकालते हैं, वो फिर हम लोग आपस में निकालेंगे सारे लोग बैठ के। आज हमें ये एक्सरसाइज करनी है, तिथि भी निकालनी है। ये फार्मूला सिर्फ याद रख लीजिए कि चंद्रमा की जो राशि और डिग्री है उसमें से सूर्य की राशि और डिग्री घटाएंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी तिथि आ जाती है, क्योंकि 360 डिग्री
30 दिन में एक रिवॉल्यूशन लेता है चंद्रमा पृथ्वी का 360 डिग्री, तो यानी 12 डिग्री की एक तिथि बन जाती है, 30 तिथि होती है एक महीने के अंदर। तो चंद्रमा की राशि और डिग्री माइनस सूर्य की राशि और डिग्री डिवाइडेड बाई 12 जब लेंगे तो हमारी एक तिथि कहलाएगी। वो कैसे निकालेंगे आगे वो बताता हूं मैं आपको। दूसरा, ये चार्ट आप ध्यान रखिए आगे हमेशा के लिए, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आपके टिप्स पे रहना चाहिए कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है 13 से 14 अप्रैल के बीच में। यानी किसी की कुंडली में अगर सूर्य मेष राशि में हो तो आप समझ जाइए कि उसका जन्म 13 और 14 अप्रैल के बाद का है, उसके आसपास का है। अभी आपके पास उसका जन्म की डेट नहीं है, सिर्फ कुंडली है, और कुंडली में आपने देखा कि सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है तो इसका जन्म जरूर 13 और 14 अप्रैल के आसपास का है। और नजदीक कैसे पहुंचना है ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां से हो गया वृषभ राशि, एग्जैक्ट एक महीने बाद वृषभ में जाएगा। तो अगर 14 अप्रैल आपने याद रखा है तो 14 मई वृषभ में लगा लीजिए आप उसको, तो वृषभ में 14 मई को जाएगा। तो किसी का सूर्य वृषभ राशि में बैठा हो तो आप कह सकते हैं इसका जन्म 14-15 मई के आसपास होगा। मिथुन राशि में किसी का सूर्य हो तो आप कह सकते हैं कि 15 जून के आसपास होगा। मतलब वन मंथ का डिफरेंस आ रहा है देखिए इसके अंदर, 15 जून, फिर बाद में 16-17 जुलाई, फिर 16-17 अगस्त, फिर तुला राशि 17 अक्टूबर, फिर नवंबर 16 नवंबर, फिर 16 दिसंबर, फिर 14 जनवरी, फिर 12 फरवरी, फिर इस तरह से हमारा मार्च का आ गया। ये हमारे आपको मंथ याद रखने हैं, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमारे ये काम आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि मेष राशि में, मेष से लेके मीन तक का आपको क्रम तो मालूम ही है कि मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, वो सब आपको मालूम है। मेष राशि में 14 अप्रैल लगा लीजिए तो वृषभ में उसके एक महीने बाद, मिथुन में उसके एक महीने बाद, कर्क में उसके एक महीने बाद, सिंह में उसके एक महीने बाद, ऐसे करके जोड़ते जाइए तो आपको मालूम चल जाएगा इसका जन्म किस तारीख के आसपास है कुंडली देख के। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ अंजुल जी कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। लेकिन जनवरी से सूर्य बदलता है ना, सूर्य करके चतुर्थ में। हाँ हाँ, सूर्य जब सूर्य की राशि चेंज होती है ना तो वो इन इन महीनों में चेंज होता है। सूर्य 13 से 14 अप्रैल के बीच में मेष राशि में आता है, सूर्य 14 से 15 मई के बीच में वृषभ राशि में आता है, सूर्य 15 जून के आसपास मिथुन राशि में आता है। कहीं भी सूर्य मिथुन राशि में होगा किसी कुंडली में तो आप समझ जाइए कि उसका जन्म 15 जून के आसपास का होगा। तो ये हम नजदीक पहुंच रहे हैं अभी, अभी तो हमने ये लगाया कि 15 जून के आसपास का तुम्हारा जन्म है और शुक्ल पक्ष में तुम्हारा जन्म है या कृष्ण पक्ष में तुम्हारा जन्म है, तिथि क्या है और एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ क्या है वो हम अभी पता लगाएंगे आगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है, याद किया है लोगों ने, आप लोगों ने नहीं याद किया? 30 दिन। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, 30 दिन। बिल्कुल ठीक है, यानी 30 डिग्री चलता है वो एक महीने में, तो 1 डिग्री चलेगा वो पर डे। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलेगा, आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। 30 डिग्री की एक राशि होती है, 30 डिग्री पार करने में सूर्य को एक महीना लगता है, तो 1 डिग्री पार करने में सूर्य को लगेंगे 1 दिन। अब यह है कि जब भी कोई कुंडली आपके पास आए तो आप पहले तो ये देखो कि सूर्य कौन सी राशि में है उसका। सूर्य आपने देखा यहां पे, सूर्य कौन सी राशि में है, सूर्य उसका तुला राशि में है, ये आपने देखा। अच्छा, तुला राशि में सूर्य किस महीने आता है वो आप पीछे देखा था आपने चार्ट, अक्टूबर बताएगा, अक्टूबर तो अक्टूबर में आएगा। इसका मतलब ये जो टाइम है ये 16-17 अक्टूबर या 17 अक्टूबर का बाद का हो गया, ठीक है, तुला राशि में है तो टाइम तो 17 अक्टूबर के बाद का है। और सूर्य इसमें कितना चल दिया राशि में, सूर्य की जो डिग्री देखिए आप कितनी है, 7 डिग्री 48 मिनट्स करीब सूर्य की डिग्री है, 8 डिग्री करीब चल चुका है सूर्य। तो 8 डिग्री का मतलब यह है कि 8 दिन तो और निकल गए हैं सूर्य को इसी राशि में। एक राशि में सूर्य को 30 दिन लगते हैं, 1 डिग्री 1 दिन में सूर्य चलता है तो 8 डिग्री चला 8 दिन में, यानी 8 दिन तो वो निकल गए। और 17 अक्टूबर को तो वो प्रवेश किया होगा 0 डिग्री से,
17 अक्टूबर को तो 0 डिग्री पे आया होगा वो सूर्य यहाँ पे। अब 8 डिग्री का हो गया तो 8 दिन फालतू हो गए, तो 17 और 8 25, यानी 25 अक्टूबर का जन्म हो गया इसका। यानी हम इस कुंडली से देख के मालूम चला सकते हैं कि इसका, इस बालक का जन्म या जातक का जन्म कौन सी डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ इसकी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म 25 अक्टूबर का होगा। अब जैसे इधर देखते हैं, देखिए ये वाला भी एक, आप इसको नोट कर लीजिए, टाइम ऑफ बर्थ। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है, वो 360 डिग्री घूमती है, तो दो दो घंटे में वो 30 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो दो घंटे में वो 30 डिग्री घूम जाती है। तो हमको सूर्य भी, सूर्य सुबह के टाइम अगर हम लोग देखते हैं तो हमें सूर्य किसी एक डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है, उसके दो घंटे बाद सूर्य हम देखते हैं तो सूर्य किसी और डायरेक्शन में हमें दिखाई पड़ता है, उसके दो घंटे बाद सूर्य देखते हैं तो डायरेक्शन में किसी और दिखाई पड़ता है, फिर एक ऐसा समय आता है जब सूर्य का अस्त हो जाता है, फिर सूर्य किसी और डायरेक्शन में गया, कहीं और किसी कंट्री में निकला, उसके बाद सूर्य फिर उदय हुआ। तो ये जो चार्ट बना हुआ है ये टाइमिंग्स हैं कि सूर्य नॉर्मली 6 बजे उदय होता है और 6 से 8 तक वो इस दिशा में रहता है, पूर्व दिशा जो भी दिशा है इस दिशा में ये रहता है। फिर इस वाले भाव में आते आते, इस दिशा में आते आते, सेकंड भाव में आते आते वो 8 से 10 बजे के बीच उसका टाइम हो जाता है। सूर्य अगर थर्ड भाव में, इस वाले भाव में आ जाता है तो वो 10 से 12 के बीच का टाइम उसका हो जाता है। सूर्य अगर इस वाले भाव में आता है तो वो कहते हैं कि 12 से 2 के बीच का टाइम होगा उसका। सूर्य इस वाले भाव में आया तो उसको कहेंगे 14 से 16, यानी कि 2 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का टाइम होगा। यहां पे होगा सूर्य 16 से 18, यानी 4 से 6, इसके बाद दूसरे भाव में जब पहुंचेगा 2 घंटे बाद सूर्य आपका इधर आ गया, ये इस वाले इसमें आ गया, उसके 2 घंटे बाद यहाँ आया, उसके 2 घंटे बाद यहाँ आया, फिर अच्छा सुबह वही 4 से 6 इस वाले भाव में आ गया और फिर 6 से 8 इधर वाले भाव में आ गया। तो ये ड्राइंग बना लीजिए, अभी आप इससे, इसके हिसाब से टाइम निकालेंगे कुंडली देख के कि ये जातक किस समय के आसपास पैदा हुआ होगा। इसी केवल ये ग्राफ, ये आपको डायग्राम याद रखना है, हालांकि ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है टाइम के ऊपर। वो इसलिए फर्क पड़ता है कि सूर्य सर्दियों में तो 7 बजे उदय होता है, गर्मियों में 5:30 बजे उदय होता है, और बीच का सीजन जो होता है अक्टूबर वगैरह होता है उसमें 6 बजे उदय होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 बजे मान लिया है स्टैंडर्ड, तो इसलिए आधा घंटे का ऊपर नीचे फर्क टाइम का हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको टाइम का आइडिया इससे लग जाएगा। अब जैसे यहाँ ये कुंडली देखिए आप, इस कुंडली से देख के ये बताइए कि सूर्य इस जातक का जन्म कौन सी तारीख के आसपास हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी इसकी। अजय जी सोचिए। सूर्य की इसके हिसाब से सूर्य की डेट ऑफ बर्थ इसके क्या होगी। 16 से कोशिश कीजिए। 16-17 जुलाई के आसपास। हाँ एग्जैक्ट डेट पे जाइए। सर 9 अगस्त के आसपास, 9-10 तारीख को गई, 9 या 10 अगस्त के आसपास, 9 या 10 अगस्त के आसपास। और किसी ने निकाला है, किरण जी आपने निकाला? 9 सर। समझ आया नहीं आया आपको? आया आया सर। सूर्य मेष राशि में कब जाता है? अप्रैल में। तो इसका मतलब उसका 14-15 अप्रैल के बाद जन्म है इसका। यस। और सूर्य मेष राशि में कितना चल चुका है, 23 डिग्री। यस। अच्छा सॉरी, भाव के हिसाब से देख लिया था, मेष राशि 1 थी वो देखना था।
अभी टाइम वाले में मत जाइए, अभी आपको डेट डेट ऑफ बर्थ देखनी है, टाइम नहीं देखना अभी, टाइम बाद में देखना इसके। दोबारा कैलकुलेट कीजिए। हाँ, दोबारा कर लेते। सूर्य मेष राशि में है और सूर्य 23 डिग्री 50 मिनट चल चुका है, मान लीजिए 24 डिग्री चल चुका है, और डेट इसकी काउंट कीजिए क्या होगी। 7 तारीख हो गई, 7 मई। किसी को समझ नहीं आया रुपेश? हाँ यस सर, 6 या 7 कंफ्यूजन है सर। 6 या 7 निकल रही है तुम्हारी भी? 6-7 निकल रहा है। अच्छा, मई का मई, 6-7 मई निकल रहा है। किरण जी समझ में आया? सर आया सर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुंडली देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ होगी इसकी। अब ये कोई कुंडली लेकर आता है आदमी और वो कहता है जी कि मेरा तो 15 जनवरी को जन्म हुआ, तो आप समझ जाओगे जन्म तेरा कब हुआ है कुंडली देख के? बोले नहीं भाई, तेरा जन्म 15 जनवरी को नहीं हुआ, तेरा जन्म तो अप्रैल के महीने में हुआ है, कुंडली तो ये बता रही है तेरी, क्योंकि सूर्य तेरा मेष राशि में बैठा हुआ है। तो आदमी ब्लफ नहीं कर सकता आपको। और आपने देखा सूर्य 23 डिग्री चल चुका है आपका, तो आपने 23 डिग्री के 23 दिन और जोड़ दिए उसके अंदर, 24 दिन और जोड़ दिए, तो आपने डेट निकाल दी। अच्छा, तो आपने डेट निकाली, डेट क्या निकाली आपने? 7 मई आई डेट इसकी, ठीक है, डेट ठीक आ गई। अब इसका टाइम ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कि सूर्य यहां पर कब होता है इस वाले भाव में? सुबह 6 से 8 के बीच में। नहीं नहीं, देखिए दोबारा देखिए, 4। मैं पीछे करूं उसको, 12 से 2 रात को। हाँ ये याद रखिए, रात के 12 से 2। तो इसका क्या हुआ कि मतलब रात के 12 से 2 के बीच में इसका जन्म है। सभ्य साची जी समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल सिग्नल आपका शायद वीक है साची जी। हृदय रंजन बैठे हैं त्रिपाठी जी? हाँ सर। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर पूरा। हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, हम दूसरी पे करते हैं। आप ये हृदय रंजन जी आप जरा निकालिए इसका, इस वाली कुंडली का, इसका जरा बताइए। सर, सर इसके ऊपर थोड़ा बहुत तर्क है मेरे पास, फिर भी ये जो जन्म हुए थे ये 7th मई 8th मई रात के 1 बजे के आसपास ही होगा सर। इसका जो लास्ट कुंडली चली गई है वो वाली? हाँ सर, ये जो 4th हाउस में था, 4th हाउस में सूर्यदेव। हाँ 1 बजे के आसपास सर। हाँ वही रात के, मतलब वही 12 बजे के 12 से 2 के बीच में हुआ है, क्योंकि 50 मिनट भी चले गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के आसपास रहेंगे सर, 7th 8th मई इंग्लिश कैलेंडर में। कभी कभी सर जो कंडीशन है लग्न का, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। हाँ सर, कभी कभी कंडीशन है जो कि 6 से 8 के बीच में 12th हाउस में भी रह जाते हैं सूर्यदेव। बिल्कुल, वो ऐसा हो जाता है। हो जाता है सर, इसलिए जो हमने ये टाइम जो निकाला है ना, ये टाइम एग्जैक्ट टाइम ना निकल के थोड़ा अप्रोक्सीमेशन टाइम निकलता है, अप्रोक्सीमेट टाइम निकलता है ये वाला। सर वो भी मैंने कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किया सर, अप्रैल मंथ में, अक्टूबर मंथ में, जब भी नीचत्व तो प्राप्त करते सूर्यदेव, और जनरली अगस्त या सितंबर, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा सर, तभी लग्न का थोड़ा बहुत जो एक दंड दो दंड एक लिता दो बिलिता रहता है ना सर। हाँ। जो हाँ, तो उसके हिसाब से 2 घंटे सम मिनट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आप ये देखिए इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में बताइए आपके क्या इसका डेट ऑफ बर्थ होगी और क्या टाइम होगा। अप्रैल से 15 मई तक रहेंगे ये। 5 जून सर, 5 जून को, 5 जून को रहेगा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में। एग्जैक्टली नहीं, 5th मई, 4 मई, 5th मई, राइट मई,
चार से छह के बीच हाँ सुबह को 21 डिग्री हो गए 17 प्लस 21 5th मई सुबह 4 to 6 AM अंजुल जी क्या कहना है आपका ये डेट होगी कि डेट होगी सर यही होगी जो अजय जी बता रहे हैं 21 17 plus 21 इसका देखें महीना 30-31 का जो होता है वो जरा चेक कर लेना सर मैं 5th या 6th सर हाँ क्या बोले हैं उदय जी मैं 5th या 6th सर हाँ मैं 6th आ गया 6th आ गया क्योंकि एक दिन का ऊपर नीचे वो हो जाता है थोड़ा उसमें हाँ, दिक्कत नहीं है हाँ सर अच्छा टाइम ऑफ बर्थ क्या बताया था अजय जी आपने इसका सुबह 4 to 6 के बीच में 4 to 6 के बीच में तो 4:15 का टाइम है इनका तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये कुंडली आपके पास आए तो आप अप्रोक्सीमेटली टाइम और अप्रोक्सीमेटली डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं तो ये तो ऊपर लिखा हुआ था हमने ध्यान ही नहीं दिया हाँ नहीं कोई बात नहीं ये तो अच्छे स्टूडेंट की निशानी है मेहनत हो गई हेलो हाँ बोलो बोलो सर कुछ क्वेश्चन था सर मैंने काफी टाइम से ये मेरा दिमाग में आ रहा था मतलब बहुत सारे ये है पहले जब भी वैदिक ज्योतिष होता था ना सर तभी लग्न जो है लग्न का एक टाइम जैसे हमारा अभी घड़ी रहता है ना सर उस टाइप का कुछ टाइमिंग का उनका रहता था सर वो कैसे जैसे कि हमारा अभी कोणार्क चक्र है ना सर वहां पर भी है चक्र जो है कोणार्क मंदिर का वहां पर भी है मतलब एग्जैक्टली जो फेज जो करते थे सर वो कैसे कैलकुलेशन करते थे लग्न कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूछना चाहते हो आप टाइम कैलकुलेशन लगन का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नहीं सर टाइम तो कैलकुलेट तो मैनुअली हो जाएगा सर हाँ। उसके लिए जो एक रहता था ना सर जैसे कि एक समय के घड़ी जैसा एक सूर्य का सर, उसके बाद उन्होंने मतलब टाइमिंग का ये कृष्ण पक्ष में नहीं होता था सर दरअसल मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा इसलिए थोड़ा सा आप मुझसे एक बार फोन पे जरा बात कर लीजिएगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हाँ सर ठीक है सर तो मैं समझ जाऊंगा तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा इसके अंदर देख के जैसे सूर्य घड़ी रहता था ना सर हाँ हाँ सूर्य घड़ी उस हाँ। टाइप का ये कृष्ण पक्ष में तो प्रॉब्लम होता था मगर शुक्ल पक्ष में ये सूर्य घड़ी के हिसाब से ये जो हमारा लग्न का कैलकुलेशन है ना सर हाँ। वो देख के पता चल जाता था तभी के टाइम में कुछ इंस्ट्रूमेंट भी था वैसे बनाते थे अच्छा ऐसा हो सकता है बिल्कुल ऐसा मैं आपको इसका सोच के बताता हूँ इसका आंसर हाँ सर अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ पूछो हाँ सर सपोज किसी का मतलब डेट ऑफ बर्थ पता है ठीक है और प्लेस ऑफ बर्थ पता है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है उसको कैसे निकाल सकते हैं मतलब उसका कुछ प्रोसीजर है उसका प्रोसेस है देखिए ऐसा है अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है हालांकि थोड़ा आप एडवांस का पूछ रहे हो लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को पता है प्लेस ऑफ बर्थ पता है और वो टाइम का आइडिया नहीं दे पा रहा वो कह रहा है कि मेरा टाइम हो सकता है दोपहर 2 बजे का हो हाँ, exactly. हो या 5 बजे का हो ऐसा हो सकता है तो उस केस में फिर क्या है कि ऐसे केसेस में उस इंसान से पूछ लिया जाता है कि भाई अपने जीवन की आप 7-8 घटनाएं बताइए कौन सी इंसिडेंट्स आपके जीवन में हुई है जैसे आपकी शादी कब हुई आपके घर में किसी की डेथ हुई है तो वो कब हुई है आपके ऊपर आप कभी बीमार पड़े बहुत ज्यादा तो कब पड़े हैं वो ये सब चीजें देखते हैं और ये सारी इंसिडेंट्स देखने के बाद टाइम को फिर मैन्युअली निकाल के देखते हैं कहाँ फिट बैठता है दशा के हिसाब से मतलब किस टाइम पे आके वो दशा बिल्कुल फिट बैठ रही है कि ये आदमी बीमार हुआ होगा वो टाइम करेक्शन इस तरीके से टाइम करेक्शन किया जाता है जो हमारे गुरु जी ने बताया है वो इस तरह टाइम करेक्शन करते हैं उसका कि आप उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि उसमें देखते हैं उसकी बातें पूछ लेते हैं कि आप अपनी 10-12 जीवनी घटनाएं बताइए और वो जीवनी घटनाओं पे फिर हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप पहले 2 बजे का टाइम लिखा अब चेक किया कि क्या वास्तव में इसके हिसाब से बीमार पड़ना चाहिए जो दशा आ रही है फिर 3 बजे का टाइम लिखा फिर देखा कि आप पढ़ना चाहिए तो वो मालूम पड़ जाता है क्योंकि टाइम से जैसे जैसे टाइम चेंज करेंगे तो हमारे वर्क चार्ट चेंज हो जाएंगे
अभी वर्क चार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें आइडिया आएगा आपको अच्छा, क्योंकि जन्म कुंडली में तो लगन 2 घंटे का रहता है, पता नहीं चलता, लेकिन वर्क कुंडली बहुत जल्दी चेंज होती है। नवांश में एक 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 भाग, एक राशि के 9 भाग करते हैं, षष्ठांश में एक राशि के 60 भाग करते हैं, तो वहां तो 1 मिनट के ऊपर 2 मिनट के ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो उस चीज से मालूम चलता है ये जाके कि कौन सी इसके जीवन में घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं से, उन घटनाओं को मैच किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेके, और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा जाता है कि इसका समय क्या होगा आसपास, तब देखा जाता है समय। सर सर और एक चीज, हाँ जैसे सर कोई बोला कि मेरा, कि मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 5 से सुबह 5 से 7 बजे तक, ठीक है, उसके अंदर में मैं पैदा हुआ हूँ, एग्जैक्टली तो उसको मालूम नहीं है। हाँ। जैसे आपका सपोज 5 से 6 के बीच में भी वो प्लानिटरी कोऑर्डिनेट में काफी चेंजेस आता रहता है ना। हाँ, हाँ। जैसे 1 घंटे में तो एग्जैक्ट अगर टाइम कोई मिनट, मतलब सपोज 5 या 5:30 बजे अगर कोई बोलता है, तो उसमें आप आधा घंटे के बीच में कैलकुलेशन करने के करके निकाल सकते हैं हिट इंटरवल में, लेकिन अगर 2 घंटा का स्पान बोलते तो उसमें तो ज्यादा थोड़ा दिक्कत आएगा ना। नहीं 2 घंटे में आता है, मैं मान रहा हूँ कि 2 घंटे में दिक्कत आता है, लेकिन वो फिर भी जो तरीका बताया है इसका टाइम करेक्शन का, वो तरीका यही बताया गया है जो मैंने पढ़ा है और जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, वो तरीका यही है इसके अंदर कि आपको अप्रोक्सीमेट टाइम का उससे आइडिया लेके, देखिए टाइम का तो आपको थोड़ा सा सूर्य की पोजीशन देख के मालूम चल जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि सूर्य की पोजीशन आपने देखी तो आपको मालूम चल गया कि सूर्य इस पोजीशन पे 1 या 2 बजे के आसपास होगा, लेकिन वो तो कुंडली उसकी तो होगी नहीं आपके पास, आप ये कहना चाहते हैं ना कि कुंडली उसकी आपके पास नहीं है। सर सर हाँ, तो उस केस में यही है तरीका कि आप अलग अलग टाइम की 2 घंटे में अलग अलग टाइम की कुंडली बना के देखिए, एक आधा घंटे, क्योंकि 2 घंटे में लगन चेंज होता है, तो आप आधा आधा घंटे का टाइम स्लॉट में 3-4 हिस्से बना लीजिए उसके, आधा घंटे एक बार देख लीजिए, 12:30 का बना लीजिए, फिर 1 बजे का बना लीजिए, फिर 1:30 का बना लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो तीनों जगह 3 में से मैच कर जाएगा और वो वाला टाइम आपका हो जाएगा उसके अंदर। जो तरीका बताया है हमारे गुरु ने यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि जिसमें कोई इस तरह से निकालते हो उसको, इंसिडेंट के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, शायद मेरी आवाज आ रही है, हेलो रुपेश मेरी आवाज आ रही है, ब्रेक हो गई थी अब आ रही है। अच्छा ब्रेक हो गई थी अब आ रही है ना, ठीक है, आप ठीक से आ रही है? आ रही है सर, आप ठीक से आ रही है? ठीक से आ रही है। अच्छा ये कुंडली देखिए, इस कुंडली के हिसाब से किरण जी ट्राई कीजिए बताना इसमें कुछ आप, कि क्या डेट ऑफ बर्थ होगी इसकी अप्रोक्सीमेटली। सर सितंबर 17 तक रहेगा सर मेरे ख्याल से। सॉरी सर, आज एक्चुअली मेरा बीपी बहुत ड्रॉप है ना, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह रहा है, सॉरी सर। अच्छा कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अटेंड कर रही हूं सर। हाँ ठीक है, आप सुनते रहिए, कोई बात नहीं, बस सुनते रहिए, मतलब लेकिन आपको समझ आ रहा है ना वैसे? हाँ सर, हाँ सर, बस ये समझ आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सूर्य कन्या राशि में कब होता है? सितंबर में सर, सितंबर में 17 ये 0 डिग्री 45 मिनट 54 मिनट है, मतलब 1 डिग्री चला है, मतलब मान लो कि एक दिन और फालतू हो गया, एक डिग्री करीब हो गया ना, कि 60 सेकंड वो हो जाता है, तो एक दिन हो गया, तो 1 दिन उसमें और ऐड कर दीजिए तो आपको उसका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। और टाइम के लिए क्या आपका टाइम होगा इसका? दो से चार बिल्कुल ठीक बात है, 2 से 4 यहाँ पर टाइम होगा, 2 बजे के आसपास ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत कम डिग्री है। सूर्य की डिग्री से आपको टाइम का मतलब सोचिए, 3:15 का टाइम है इनका, 3:15 हाँ, तो 2 से 4 2 घंटे के बीच में का टाइम आपको मतलब आइडिया लगा है कुंडली देख के, और उसके बीच आप
थोड़ा टाइम का अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना है इसका। ये तो था हमारा टाइम ऑफ बर्थ निकालने का कुंडली देख के और डेट ऑफ बर्थ निकालने का तरीका। अब डेट ऑफ बर्थ जो हमने निकाली थी अभी हमने डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं निकाली थी, अभी हमने सिर्फ निकाला कि 17 अक्टूबर के बाद होगा और इतना चल गया, तो ऐसे करके हम लोगों ने निकाल लिया था उसके अंदर। अब हम तिथि कैसे निकालते हैं, एक वो वाली चीज इसके अंदर आती है कि कोई पूछे कि भाई किस तिथि में पैदा हुआ होगा, ये किसी को आइडिया है इसका तिथि कैसे निकालते हैं? सर अमावस्या पूर्णिमा ना, हाँ मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ होगा, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ होगा। ये बता सकता हूँ सर, बता सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर ये शुक्ल पक्ष में, सर शुक्ल पक्ष ये दसवीं के आसपास। सर देखो सूर्य से एकादश, सूर्य से चंद्रमा देखो कहाँ पर है सर, सूर्य से चंद्रमा छठे घर में है सर, छठे घर में है तो शुक्ल पक्ष तो हो गया, तो हाँ शुक्ल पक्ष एकादशी रहेगा, एकादशी के आसपास, शुक्ल पक्ष में एकादशी के आसपास। हाँ सर। अच्छा, अब ये एकादशी कैसे निकालेंगे ये मैं थोड़ा सा, आप तो मतलब ऐसा मान रहे होंगे ना कि चंद्रमा एक राशि में सवा दो दिन रहता है, दो सवा दो तिथि एक एक भाव की आपने मान ली और आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तिथि कैसे निकालते हैं मैं एक बार जरा ये बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे और फिर उससे आप आइडिया लगा लीजिए। ये किसी को समझ ना आया तो बोल दीजिएगा इसका। सर देखिए चार्ट देख लीजिए आप और चार्ट में देखिए सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति मतलब क्या है कि सूर्य कहां बैठा हुआ है हमारा, सूर्य हमारा 5 नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें इस भाव की पोजीशन को डिफाइन करना हो, सूर्य की एड्रेस डिफाइन करना हो, हम कैसे डिफाइन करें कि सूर्य का एड्रेस क्या है? सर मूल त्रिकोण में बैठे हैं और सन पास 7th हाउस में बैठे हैं लग्न से। सूर्य का अभी किसी ने बोला था आवाज नहीं आ रही, सन पास प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज अपनी जो आ रही है म्यूट कर लीजिए सर। फोर साइन पास, फोर साइन पास किसी ने बोला, हाँ विकास आपने बोला ना, हाँ जी 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 हाँ विकास, फोर साइन पास, फोर साइन पास का मतलब है कि चार राशियां निकल चुकी हैं, साइन मतलब राशि, चार राशि निकल चुकी है, पांचवी राशि में है फोर साइन पास। तो सूर्य की स्थिति जो हमने यहाँ ऊपर दी हुई है फोर साइन पास लिखा है, पहले लिखा है फोर साइन, इसको बोलते हैं फोर साइन पास हो चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 16 डिग्री 1 मिनट, जो सूर्य की डिग्री है वो 16 डिग्री 1 मिनट लिखा हुआ है, तो फोर साइन पास 16 डिग्री 1 मिनट हमने लिख दिया इसका। तो ये सूर्य का एड्रेस हो गया कुंडली में। अगर आपसे कोई कहे कि भाई सूर्य की जो पोजीशन है वो फोर साइन पास 16 डिग्री 1 मिनट है, तो आप सीधा सूर्य को 5 नंबर राशि में बैठा देंगे और सूर्य की डिग्री होगी 16 डिग्री 1 मिनट। समझ आया अजय जी, समझ आ रहा है? यहाँ ये क्लियर है, क्लियर हो गया ना? हाँ जी। अच्छा अब जैसे मान लिया हम पूछें कि जुपिटर का एड्रेस क्या है, जुपिटर की एड्रेस बताइए, बृहस्पति का 11 साइन पास 0 डिग्री 59 मिनट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो ग्रहों के इस तरीके से हम लोग वो निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं ग्रहों की कुंडली को देख के कि ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। तो कहीं पर अगर आप देखें इस तरह, क्योंकि आपको हमेशा फॉर्मूलेज में और इन चीजों में ऐसे लिखा होगा 4 साइन पास 16 डिग्री 1 मिनट, 8 साइन पास 24 डिग्री 44 मिनट, ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड होता है, जो हमने पीछे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े थे, ये लॉन्गिट्यूड होता है इसका। तो सूर्य की स्थिति हमारी इस कुंडली में क्या है, 4 साइन पास 16 डिग्री 1 मिनट, और चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा की हमारा एड्रेस क्या है, क्या स्थिति है? एट साइन पास 24 डिग्री 44 मिनट। तो फॉर्मूला ये है
कि चंद्रमा की स्थिति से सूर्य की स्थिति को माइनस कीजिए। फॉर्मूला यह है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, फॉर्मूला यह है कि चंद्रमा की जो स्थिति है उससे सूर्य की स्थिति माइनस कीजिए। चंद्रमा की स्थिति क्या थी? 8 साइन पास 24 डिग्री 44 मिनट माइनस 4 साइन पास 16 डिग्री 1 मिनट। ठीक आया यहां तक? ठीक है। अच्छा, 8 साइन में से 4 साइन गए, कितने बचे? 4 साइन पास 4 मिनट 4 डिग्री 43 मिनट 8 डिग्री 43 मिनट। ये बचा रुपेश, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो अच्छा, एक साइन जो होता है, यानी एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। एक राशि होती है 30 डिग्री, और एक डिग्री होता है 60 मिनट। एक डिग्री 60 मिनट, एक राशि 30 डिग्री, और एक मिनट होता है 60 सेकंड। तो अब हमारा जो आंसर ये आया था, जो हमारा ऊपर हमने कैलकुलेट किया कि 4 साइन पास 8 डिग्री 43 मिनट्स डिवाइडेड बाय 12, ये हमारी तिथि आई इसकी। अब तिथि को हम लोग सारे को या तो डिग्री में चेंज कर लें या सबको मिनट में चेंज कर लें, उसके बाद हम लोग निकालेंगे आंसर। सबको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 4 साइन को जो हमने मिनट में चेंज किया, तो 4 साइन को पहले डिग्री में चेंज किया, तो 120 डिग्री हो गया। यस सर। ठीक है, फिर 8 डिग्री को हमने चेंज किया मिनट में, तो 8 डिग्री इंटू 60 मिनट में हो गया। तो 120 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 43 मिनट्स तो ऑलरेडी है ही है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो ये 60 जोड़ने के बाद इस तरीके से इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो मिनट में जो हमारा टोटल आया है ये 7200 मिनट्स प्लस 480 मिनट्स प्लस 43 मिनट्स। 120 को 60 से मल्टीप्लाई करो 7200, 8 को 60 से मल्टीप्लाई करो 480, और 43 मिनट्स ये वाला आ गया। ये हमारा टोटल ये आया, जिसको हम निकाल सकते हैं कि 3 इधर हो गया, 8 4 12 4 1 लगा 5 2 7 और 7, यानी 7743 मिनट्स। ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, जो अंश आया हमारा न्यूमरेटर जो आया वो 7743 मिनट्स आया, और नीचे डिवाइड बाय कितना है? 12 डिग्री। 12 डिग्री को भी मिनट में चेंज कर लीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 720 मिनट्स हो गया। तो 7743 मिनट्स डिवाइड बाय 720 मिनट्स, तो क्या आया? 10.72। आंसर आता है 10.72। का मतलब ये हुआ कि ये जातक जो है 10 तिथि निकल चुकी है, 11वीं तिथि चल रही है, यानी 11वीं तिथि में एकादशी के दिन हुआ है शुक्ल पक्ष में। मनीषा, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। हाँ, ये यहां तक इस चीज को केवल समझना है, ये नॉर्मली चीज पढ़ाई नहीं जाती इसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि आपको मालूम रहेगा कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तिथि को पैदा हुआ होगा। तो हमने आज सीखा कि ये बता दीजिए शुक्ल पक्ष में कैसे हुआ, ये किस तरह से आपने निकाला 11वीं तिथि शुक्ल पक्ष की कैसे हुई है? एकादशी सूरज से चंद्रमा की दूरी लेस देन 7 है। अच्छा, इसके लिए शुक्ल पक्ष के दिन हो गए, करेक्ट है? गुरुजी गुरहा जी, हेलो। हाँ हेलो, बोलिए।
गुरु जी अगर माइनस आएगा कृष्ण पक्ष होगा ना, अगर माइनस आएगा नहीं माइनस आएगा माइनस नहीं, अगर ये अगर ये 15 से ऊपर आता है तो कृष्ण पक्ष होगा, माइनस नहीं आएगा। 10.72 आ रहा है इसका मतलब 10 तिथि निकल चुकी है, एकादशी है। अगर 16 आ रहा है से ज्यादा होगा तो हेलो हेलो हाँ हेलो एक मिनट राहुल हाँ अगर ये 16 होगा तो हम कह सकते हैं कि 15 तिथि निकल गई, पूर्णिमा खत्म हो गई, अब अमावस की पहली तिथि है प्रतिपदा कृष्ण पक्ष। कृष्ण माइनस में आएगा तो कृष्ण पक्ष में आएगा। हेलो हेलो नमस्ते सर, मीत दिस साइड। हाँ मीत साहब समझ आया ये? हाँ जी हाँ जी सर, एक चीज है, अभी मैडम बात कर रहे थे हाँ। कि सूरज से चंद्रमा का उन्होंने बोला कि 7 कम है राइट हाँ। लेकिन सर अगर चंद्रमा सूरज से पीछे आ रहे हैं इसके अंदर तो ना आगे जा रहे हैं सॉरी ठीक है ठीक है ना आगे जा रहे हैं हाँ आगे जा रहे हैं सर, क्योंकि 6 घर आगे हुए हैं ना सर हाँ। पांच घर आगे हुए तो अभी शुक्ल पक्ष में हुए ना सर, जैसे 7वां घर क्रॉस कर जाएंगे हाँ। फिर उसमें आ जाएंगे कृष्ण पक्ष। आई थिंक यही रहेगा ना कि सूरज से अगर 180 डिग्री से जैसे ही आगे क्रॉस करे, हालांकि 180 डिग्री से ही क्रॉस करेंगे तो कृष्ण पक्ष में चले गए सर, और 180 डिग्री से पीछे रहे तो शुक्ल पक्ष में हुए। बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर सर। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, 180 डिग्री से नीचे तो शुक्ल पक्ष, 180 डिग्री पर आ गए तो पूर्णिमा, 180 डिग्री से ऊपर चले गए तो आपका शुक्ल पक्ष वो सॉरी कृष्ण पक्ष, और सूर्य चंद्रमा अगर दोनों साथ मिल गए तो समझिए अमावस्या आ गई। 180 डिग्री जस्ट अपोजिट द हाउस राइट, अपोजिट हाउस बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिट हाउस इज 180 डिग्री सामने वाला घर। तो ये तिथि हमारी ऐसे निकलती है, इस तिथि निकालने में किसी को कहीं कोई अब इसमें थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आप लगा सकते हो ऐसे करके इसका, कि देखिए ये एकादशी के दिन पैदा हुआ है ये जातक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? और कोई तरीका है जो मतलब, ये तो हमारा एक तरीका हुआ जो कैलकुलेट करने का है, बिना कैलकुलेट करे हम थोड़ा एक आइडिया लगा लें कि भाई कुंडली देखे चंद्रमा सूर्य ग्यारहवां भाव में सर। क्या बोला रुपेश? ग्यारहवां भाव में क्या सर, इस तरह से भाव ग्यारहवां है इसलिए क्या भाव ग्यारहवां है, ग्यारहवां भाव है सर, चंद्रमा ग्यारहवें भाव में, चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है हाँ। मतलब अगर हम ये सोचें कि देखिए हम ये माने कि चंद्रमा बेसिकली एक घर में एक भाव में 2-2.5 दिन रहता है, ये तो सबको हमको सबको पता है। तो चंद्रमा जब यहां रहा होगा चंद्रमा उस वक्त क्या होगा, अमावस्या। जब चंद्रमा सूर्य के साथ यहां पर होगा बराबर सर अमावस्या रहेगा, अमावस्या रहेगा। चंद्रमा जब इस घर में चला तो चंद्रमा बढ़ना शुरू हुआ तो शुक्ल पक्ष की ओर चलना शुरू हो गया बराबर सर बराबर। अच्छा अब सूर्य और चंद्रमा जब यहाँ चंद्रमा इस घर में था तो 2.25 दिन में इस घर में आ गया, 2.25 दिन बाद इस घर में आ गया, 2.25 दिन बाद इस घर में आ गया, 2.25 दिन बाद इस घर में आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली वही 11 दिन करीब निकल आते हैं। लगाओ 2.25 × 4 9 हो गया ना, 9 हो गया वैसे 9 आ जाता है। नहीं इसका नहीं तो सर, ऐसे नहीं हो पाएगा सर, इसका भी कैरी करो ना, अब इस वाले भाव का भी कैरी करो ना, सातवें भाव का उसका भी कैरी करना पड़ेगा बराबर सर, सातवें भाव का भी कैरी करना पड़ेगा। 11 दिन आ गया अप्रोक्स हां, क्योंकि सातवें भाव में चंद्रमा और दोनों बराबर हो गए ना, ये यहां पर यहां से 2 दिन में यहाँ से निकला, 2 दिन यहाँ से, 2 दिन यहाँ से, 2 दिन यहाँ से, ऑल टाइम मल्टीप्लाई हो गया हाँ। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये तरीका है निकालने का, कि इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये किस तिथि के आसपास पैदा हुआ होगा। ये डिग्री का भी फर्क करता है, क्योंकि 2.5 दिन में 30 डिग्री क्रॉस करते हैं ना सर, अभी 20 डिग्री 44 मिनट हो गए,
तो इसीलिए अगर दो दिन भी अप्रोक्सीमेटली लेते हैं तो पांच घर हो गया दस दिन और 24.44 इसीलिए 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली एकादशी 10.77 आ गया ना 10.72 तो ऐसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सर मैं जो भी आपका आंसर बताया सर ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया अप्रोक्सीमेटली ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा सब लोग अपना ये ध्यान रखिए ऐसे कि अप्रोक्सीमेटली इस तरह से कैलकुलेट कर लें मैंने तरीका तो आपको बता दिया है पर इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा और एक सेकेंड इसमें बताइए तिथि क्या रही होगी इनकी मंजुल जी आप बताइए तिथि क्या रही होगी शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है और तिथि क्या रही होगी अप्रोक्सीमेटली सर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कृष्ण पक्ष रहेगा चतुर्दशी रहेगा सर सॉरी शुक्ल पक्ष है सर चतुर्दशी कृष्ण पक्ष रहेगा सात दिन से ज्यादा है ना सूर्य से चंद्रमा शुक्ल पक्ष रहेगा चंद्रमा से देखना सूर्य से देखेंगे शुक्ल पक्ष सात दिन से ज्यादा है कृष्ण पक्ष होगा कृष्ण पक्ष का हो गया कृष्ण प्रतिपदा प्रतिपदा हाँ पक्ष है और 16 से 4 जुलाई प्रतिपदा द्वितीय के आसपास का होगा 17 जुलाई और सर नाइन्थ के आसपास नाइन्थ अगस्त के आसपास की डेट होगी नहीं डेट तो नाइन्थ अगस्त आ रही है इसकी जी डेट तो इनकी नाइन्थ अगस्त है मैं तिथि पूछ रहा था तिथि तिथि और डेट में डिफरेंस हो जाता है ना कि भाई एकादशी के दिन पैदा हुए त्रयोदशी के दिन पैदा हुए चतुर्दशी के दिन पैदा हुए तो आपने बताया कृष्ण पक्ष को पैदा हुए हैं ये कृष्ण पक्ष में तो ये तो ठीक है कृष्ण पक्ष में हुए हैं तो यहाँ तक तो यहाँ पे चंद्रमा होता अगर शुक्ल पक्ष चंद्रमा यहाँ पे होता तो पूर्णिमा होती चंद्रमा यहाँ होता तो पूर्णिमा होती यहाँ से निकला आगे तो अब ये आगे चल दिया कृष्ण पक्ष की ओर चला चंद्रमा ढलना शुरू हुआ तो दो सवा दो तिथि समझ लीजिए कि यहाँ से निकला होगा तो यही समझ लो कि एकादशी द्वादशी के आसपास का ये इसका जन्म होगा हाँ शंकर जी कुछ कहना चाहते हैं इधर रंजन जी नहीं सर मैं गलत थोड़ा बोल दिया था मैंने एक्चुअली सेवेंथ करके कैलकुलेट कर दिया तीन डिग्री में एक्चुअली एट हो गया मतलब ये द्वितीय तक रह जाएगा सर ठीक है पता ही है द्वितीय हाँ जो द्वितीय हो जाएगा तो ये एक्चुअली थोड़ा झापसा हो गया सर मतलब थोड़ा स्टक हो गया तो मैं शायद ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया नहीं नहीं कोई बात नहीं इसमें बच्चा बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग देखिए ये चीजें अगर आप किसी से पूछोगे ना तो वो आपको नहीं बता पाएगा आई गारंटी यू मतलब आप किसी से पूछ के देखना ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये मेरा मैं आपसे बोल भी सकता था कि मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख लो आप ये यूट्यूब पे मेरा लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है और शायद सबसे ज्यादा लाइक्स और सबसे ज्यादा कमेंट्स इसी लेक्चर के ऊपर हैं कि कुंडली से कैसे चीजें हम लोग जाने उससे हम लोग और भी चीज निकालते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा इससे कि पाया निकालते हैं पाया होता है स्वर्ण पाया रजत पाया ये तो मुझे सीखने को बड़ी इच्छुक सर मैं हाँ तो वो भी सब मैं आपको सिखाऊंगा कुंडली से कैसे निकालते हैं उसी एक ही कुंडली से आप समझ जाएंगे कि ये स्वर्ण पाया है इस इंसान का ये सब इसका गण क्या है ये मनुष्य गण का है देव गण का है राक्षस गण का है इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी इसका टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा वो सब एक ही चीज से हम लोग सीख जाने की कोशिश करेंगे अभी चंद्रमा से हम पता कर सकते हैं सर ये जो डिग्री है ना सर 12 डिग्री मतलब एक एक नक्षत्र पे रहते 12 डिग्री तक हाँ तो ये सर पहले क्या हो गया ये शायद सतभिक्षा नक्षत्र में है नक्षत्र में है हाँ ये राक्षस गण है हाँ, और राहुदेव का नक्षत्र है यस यस तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वो मैंने आपको अभी चूंकि नक्षत्र पढ़ा ही नहीं है तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं वो एक बार सब नक्षत्र जब आपको बता देंगे तो उसके बाद हम लोग नक्षत्र भी इससे निकालेंगे गुड अच्छा जा रहे हैं थैंक यू सर ये रुपेश जरा बताओ इसका ये शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में तिथि क्या होगी इसकी
ये तो कृष्ण पक्ष है सर, कृष्ण पक्ष। हाँ तिथि प्रतिपदा या द्वितीय सर ना, प्रतिपदा या द्वितीय होगी, बिल्कुल ठीक बताया आपने, एकदम सही। तो मतलब आप लोग अब समझ गए ना इससे कि कैसे हमने टाइम ऑफ बर्थ और कैसे डेट ऑफ बर्थ और क्या हमने वो निकालना है इसके हिसाब से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको दिए। प्रतिपदा 81 किसको बोलते हैं, प्रतिपदा फर्स्ट, प्रतिपदा फर्स्ट तिथि होती है। अच्छा ठीक है, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आएगी कृष्ण पक्ष की, ऐसी अमावस्या के बाद आएगी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्रह की मैत्री पढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का जो चैप्टर है कि कौन से ग्रह किसके मित्र होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे समझेंगे। सर, हाँ सर एक चीज मैं बता सकता हूँ सर? हाँ बताओ 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 बताओ। ये 1968 बॉर्न है या 2098 बॉर्न है सर? एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। 1998 ना सर? हाँ ओके, 1998 तो 1968 में मेष राशि में शनिदेव थे। हम बहुत पुराने चले, पहले चले गए। 1998 का है। अच्छा ये तो क्योंकि क्योंकि हर साल में 12 राशियां चेंज करते हैं सूर्य, तो हाँ क्योंकि 12 राशि चेंज करते हैं सूर्य, तो चल बदलते रहते हैं राशि, और मेष राशि में वही वो 14-15 अप्रैल के आसपास आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हुआ। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैत्री पढ़ेंगे कि ग्रहों के आपस में मित्र कौन कौन से मित्र होते हैं। सीमा जी समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सर समझ में आ रहा है। आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कल हम पढ़ेंगे ग्रहों के मैत्री के बारे में कि कौन सा ग्रह किसका मित्र होता है, किसका शत्रु होता है, कौन सा ग्रह किसको सम मानता है, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मित्र कौन होगा, सम कौन होगा, शत्रु कौन होगा, क्योंकि टेबल तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक बार में रटना कि कैसे रटेंगे उसको। तो उसका एक तरीका भी है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं कि कैसे कौन ग्रह किसका मित्र होगा, और एक पंचधा मैत्री होती है वो पढ़ाएंगे, और इसके बाद एक दो क्लासेस के बाद आपको कुंडली पे ले जाना चालू करेंगे ताकि कुंडली पे आपको पहुंचने में आसानी रहेगी, कि ग्रह कब बलि होता है वो बताएंगे, भाव बलि बलि होता है वो बताएंगे, कैसे कुंडली देखनी है वो बताएंगे। तो ये 2-3-4 क्लास के अंदर आपका आप उस स्टेज से पहुंच जाओगे जब कुंडली देखना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद फिर आपको दशा गोचर वो सब पढ़ाते रहेंगे आराम से। तो आज का यहां तक ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू सर। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।